हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की फोर्थ स्टैंडर्ड की बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स वर्किंग विद विंडोज। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है ऑपरेशंस ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसमें और थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं एंड आज प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। फर्स्टली जान लेते हैं सर्चिंग फाइल्स फोल्डर्स। फाइल्स या फोल्डर्स को सर्च कैसे करते हैं? टू सर्च फॉर एनी फाइल और फोल्डर फॉलो दिस स्टेप्स। फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्टली क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक एनी वेयर इन द सर्च प्रोग्राम एंड फाइल बॉक्स। सर्च प्रोग्राम या फाइल बॉक्स में कहीं भी क्लिक करते हैं। देन टाइप द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर टू बी सर्च, और उस फाइल का या फोल्डर का नेम टाइप करते हैं जिसको हमें सर्च करना है। द फाइल और फोल्डर दैट मैचेज द एंटर्ड कीवर्ड अपेयर्स अबव द सर्च बॉक्स। स्टूडेंट्स, जिस फाइल या फोल्डर को हम जिसका भी कीवर्ड एंटर करते हैं वो मैच होते ही सर्च बॉक्स में अपेयर हो जाता है, जो भी फाइल फोल्डर हम इसमें डालते हैं सर्च करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होता है या तो उस प्रोग्राम का कोई कीवर्ड होता है, या फिर उसके स्टार्टिंग के 3 या 4 अल्फ़ाबेट्स टाइप करते ही वो प्रोग्राम अपेयर हो जाता है सर्च बॉक्स में स्टूडेंट। एंड लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल और फोल्डर। डिजायर्ड फाइल जो भी आपकी फाइल है या फोल्डर है उस पर क्लिक करते हैं एंड इट ओपन्स इन अ न्यू विंडो, और वो एक नई विंडो में ओपन हो जाती है स्टूडेंट्स। विंडोज 10 में किस तरह से अपडेट करते हैं सर्चिंग फाइल एंड फोल्डर को, किस तरह से सर्च करते हैं फाइल एंड फोल्डर को विंडोज 10 में? इन विंडोज 10 यू कैन यूज द फॉलोइंग वेज। विंडोज 10 में आप निम्नलिखित वे फॉलो कर सकते हैं फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए। फर्स्ट है टाइप द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट का नेम टाइप करते हैं या उसका कीवर्ड भी टाइप कर सकते हैं इन टू द सर्च बॉक्स ऑन द टास्क बार। टास्क बार में जो सर्च बॉक्स होता है उसमें डॉक्यूमेंट का नेम या कीवर्ड टाइप करते हैं। यू विल सी द रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस योर पीसी। आप अपने पीसी पर उसका रिजल्ट देखेंगे डॉक्यूमेंट का, तो वन ड्राइव के अंडर बेस्ट मैच, आपको वन ड्राइव के नीचे बेस्ट मैच दिख जाएगा, उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट बहुत ही बेस्ट तरीके से दिखेगा। सेकंड है ओपन फाइल एक्सप्लोरर फ्रॉम द टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू। आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना होता है स्टूडेंट्स टास्क बार या स्टार्ट मेन्यू के द्वारा। देन सेलेक्ट अ लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट पेन टू सर्च और ब्राउज। और सर्च या ब्राउज करने के लिए एक लोकेशन लेफ्ट पेन से, जो कि फाइल एक्सप्लोरर में लेफ्ट पेन होता है, उससे सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर देखें स्टूडेंट्स, तो सेलेक्ट दिस पीसी आइकन। दिस पीसी आइकन को सेलेक्ट करते हैं टू लुक इन टू ऑल डिवाइसेज एंड ड्राइव्स। सभी डिवाइसेज और ड्राइव देखने के लिए दिस पीसी आइकन को सेलेक्ट कर लेते हैं ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर। और या फिर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट आइकन को सेलेक्ट करते हैं टू लुक ओनली फॉर फाइल स्टोर देयर। जो भी वहाँ पर फाइल स्टोर्ड हैं उन्हें देखने के लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स रिव्यू में देख लेते हैं ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। फर्स्ट है कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर मीन्स द सेम थिंग। एक फाइल या फोल्डर को कॉपी या मूव करना एक ही बात होती है। द आंसर इज फॉल्स, एक बात नहीं होती है स्टूडेंट्स। कॉपिंग में फाइल डेस्टिनेशन पर तो जाती है लेकिन अपनी लोकेशन पर भी रहती है, बट मूविंग में वो शिफ्ट हो जाती है, वहाँ से रिमूव हो जाती है जहाँ उसकी एक्चुअल लोकेशन होती है। सेकेंड है रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर दैट कंटेन्स ऑल द डिलीटेड फाइल और फोल्डर ऑफ अ कंप्यूटर। रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसमें डिलीट फाइल और फोल्डर्स, कंप्यूटर में जितने भी डिलीट और फाइल फोल्डर्स होते हैं वो सभी रहते हैं। ट्रू, बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट्स ये। अ फाइल एक्ट्स एज अ कंटेनर ऑफ फोल्डर। एक फाइल फोल्डर का कंटेनर होती है। फॉल्स है स्टूडेंट, एक फोल्डर कंटेनर होता है फाइल्स का। विंडोज एक्सप्लोरर स्क्रीन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट पेन, राइट पेन एंड सेंट्रल पेन। फॉल्स है स्टूडेंट, विंडो एक्सप्लोरर स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। फ्लैशबैक जान लेते हैं स्टूडेंट्स। फ्लैशबैक में क्या बताया गया है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही विशेष सेट किया हुआ प्रोग्राम होता है जो प्रोवाइड कराता है एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड कंप्यूटर, जो यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। सेकंड है स्टूडेंट्स, विंडो, डोस, यूनिक्स, लाइनेक्स एंड मैक आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, डोस, यूनिक्स, लाइनेक्स एंड मैक ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट।
एंड स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडो एक जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम बोलते हैं. अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी. एक फाइल रिलेटेड डाटा का और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का कलेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, अ फोल्डर इज़ अ कंटेनर दैट होल्ड सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स. एक फोल्डर एक कंटेनर है जिसमें एक ही तरह की फाइल्स होती हैं. एक फोल्डर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें एक ही तरह की सभी फाइल्स होती हैं. विंडो एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट लेट्स अ यूजर एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. विंडो एक्सप्लोरर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूजर को फाइल और फोल्डर जो कि कंप्यूटर में स्टोर होती हैं उन्हें एक्सेस करने देता है. एंड लास्ट है रिसाइकल बिन इज अ फोल्डर दैट कंटेन्स ऑल द डिलीटेड फाइल और फोल्डर. रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसमें सभी फाइल और फोल्डर जो डिलीट हो जाते हैं वो होते हैं. मीन्स रिसाइकल बिन के अंदर डिलीटेड फाइल और फोल्डर कंप्यूटर के रहते हैं. जितने भी फाइल और फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो सभी रिसाइकल बिन में ही रहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कर लेते हैं. टिक इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर पर टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है जीयूआई स्टैंड्स फॉर. जीयूआई स्टैंड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटीग्रेशन. द आंसर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. लिनक्स, यूनिक्स और एमएस वर्ड. द आंसर इज एमएस वर्ड. दिस आइकन प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क. ये आइकन एक्सेस कराता है डेटा को जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. नेटवर्क आइकन, कंप्यूटर आइकन या फिर एप्लीकेशन आइकन. एप्लीकेशन आइकन स्टूडेंट जो भी एप्लीकेशन आइकन होता है उस पर क्लिक करते ही वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है और उसे एक्सेस करा देता है. व्हाट इज अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर कॉल्ड. एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर उसे होता है उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स. अंडर फोल्डर, सेक्शन फोल्डर या सब फोल्डर. द आंसर इज सब फोल्डर. हाउ मेनी पेन्स इज द विंडो एक्सप्लोरर डिवाइड इन टू. एक विंडो एक्सप्लोरर में कितने पेन्स में डिवाइड होता है विंडो एक्सप्लोरर. टू, थ्री और फोर. द आंसर इज टू. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस होता है. सो आंसर इज विंडो. बिकॉज विंडो ही तो होता है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स मूव टू फोल्डर. सभी डिलीटेड फाइल और फोल्डर मूव हो जाते हैं फोल्डर में. कौन से फोल्डर में मूव हो जाते हैं. द आंसर इज रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन में सभी डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर मूव हो जाते हैं. इज अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड फाइल. एक कलेक्शन है रिलेटेड फाइल का. क्या कलेक्शन है. द आंसर इज फोल्डर. फोल्डर एक रिलेटेड फाइल का कलेक्शन होता है. बटन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बटन ऑन द डेस्कटॉप. बटन जो कि बहुत बार बार यूज किया जाता है डेस्कटॉप पर उसे कौन सा बटन बोलते हैं स्टूडेंट. द आंसर इज स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन को हमें हर बार ओपन करना होता है, क्लिक करना होता है तो इसे बार बार यूज किया जाता है. मेन्यू गिव्स क्विक एक्सेस टू द रिलेटेड कमांड्स. रिलेटेड कमांड्स के को क्विक एक्सेस करने देता है एक मेन्यू और उस मेन्यू का नाम है शॉर्टकट मेन्यू. शॉर्टकट मेन्यू जो कि राइट क्लिक करके भी आता है वो क्विक एक्सेस करने देता है जो भी रिलेटेड कमांड्स होती हैं उनको. नाउ ट्रू एंड फॉल्स अगेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट है विंडो एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट लेट यू एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर्ड इन अ पेन ड्राइव. विंडो एक्सप्लोरर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको पेन ड्राइव में स्टोर्ड फाइल और फोल्डर को एक्सेस करने देता है. आंसर इज फॉल्स. क्योंकि स्टूडेंट्स विंडो एक्सप्लोरर कंप्यूटर की सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक्सेस करने देता है ना कि पेन ड्राइव की. नेक्स्ट है शॉर्टकट मेन्यू इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. शॉर्टकट मेन्यू को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के नाम से भी जाना जाता है. ट्रू. यू कैन नॉट स्टोर ऑल द फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन. आप रिसाइकल बिन में सभी फाइल्स को जो भी डिलीट होके गई हैं उन सभी को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं. आंसर इज फॉल्स. कर सकते हैं स्टूडेंट. सभी फाइल्स को रिस्टोर किया जा सकता है. रीनेमिंग मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और फोल्डर. रीनेमिंग का मीन्स होता है कि एक नया फोल्डर क्रिएट किया जाता है. नो, फॉल्स. रीनेमिंग का मीन्स होता है कि उस फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना होता है. लास्ट है
विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लेटेस्ट वर्जन है। ट्रू, यस स्टूडेंट, विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लेटेस्ट वर्जन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।